आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड और पुअर डैड पर बात करने वाले हैं। इस किताब में रॉबर्ट ने हमें दो लोगों की सोच के बीच का अंतर बताया है। रॉबर्ट अपने दो फादर का एग्जाम्पल देकर हमें रिच मेंटेलिटी और पुअर मेंटेलिटी के बारे में बताते हैं। एक रॉबर्ट के रियल फादर हैं और दूसरे उनके एक फ्रेंड के फादर हैं, जिनको दोनों को वो अपना पिता मानते हैं। इसीलिए रॉबर्ट ने अपनी बुक का नाम रिच डैड और पुअर डैड रखा। रॉबर्ट के जो रियल फादर यानी जो कि पुअर डैड हैं, वो एक पीएचडी होल्डर हैं और एक हाई पेड जॉब करते हैं, और जिनको रॉबर्ट ने अपना रिच डैड कहा है, वो 8th पास भी नहीं है, 8th फेल हैं और एक छोटे से बिजनेसमैन हैं। दोनों के पास सोर्स ऑफ इनकम या कहा जाए जो पैसा है वो बराबर ही है, फिर भी पुअर डैड मरने के बाद अपनी फैमिली को कर्ज छोड़ कर जाते हैं। वहीं रिच डैड मरने के बाद अपनी फैमिली को करोड़ों का बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी छोड़ कर जाते हैं। ये कैसे है कि एक उन्हीं पैसों से अमीर बन जाता है और दूसरा गरीब होता है? ये सब निर्भर करता है सिर्फ हमारी सोच पर। रॉबर्ट दोनों की सोच बताते हैं। रॉबर्ट के पुअर डैड कहते हैं कि हमें अमीर बनने के लिए पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करनी चाहिए। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि हमें पढ़ लिख कर अपनी एक कंपनी खोलनी चाहिए जिससे हम दूसरों को जॉब दे सकें। पुअर डैड बोलते हैं कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, पर रिच डैड बोलते हैं कि पैसा हमारी प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और पैसा हमारे लिए खुशियां लेकर आता है। पुअर डैड कहते हैं कि हमें महंगी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। रिच डैड कहते हैं कि हमें ऐसे रास्तों को ढूंढना चाहिए जिससे हम उन चीजों को अफोर्ड कर सकें। रॉबर्ट ने अपनी रिच डैड की थ्योरी को बहुत ही सिंपल वे में समझाया है, जो हमें अकाउंट टीचर या अकाउंट क्लास में कभी नहीं सिखाया जाता, या कहा जाए हमारी एजुकेशन सिस्टम में इन चीजों को सिखाया ही नहीं जाता। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर एसेट्स हमें एसेट्स को मेंटेन करके रखना चाहिए। एसेट्स वो हैं जो हमारी जेब में पैसे डालते हैं और लाइबिलिटीज वो हैं जो हमारी जेब से पैसे निकालते हैं। मान लो अगर आपके पास एक कार है और आप उसके फ्यूल पर और उसके मेंटेनेंस पर कुछ पैसे खर्च करते हो तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है। आपके पास एक घर है जिस पर आप खर्च कर रहे हो तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटीज है। और यही कार और यही घर अगर आपने उसे किराए पर दे रखा है और ये आपके लिए पैसे कमाते हैं, आपकी जेब में पैसे डालते हैं, तो ये आपके लिए एसेट्स हैं। एसेट जैसे पेपर बॉन्ड, शेयर, डिवेंचर्स आदि होते हैं जो हमारे लिए पैसा लेके आते हैं। अब आपको सोचना होगा कि आप अपने पैसे के साथ क्या करना चाहते हो। आप एक जॉब करते हो जो आपकी इनकम है, आपका सोर्स ऑफ इनकम है। आप कह सकते हो आप उन पैसों को, अगर आप उन्हें काम पर लगाना नहीं जानते, आपको नहीं पता कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है। आप पैसे के लिए काम करते हो, ऑफिस जाते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि पैसे को कैसे काम पर लगाया जाता है, तो आप अपने एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज को एक ना एक दिन मैच कर ही लेते हो और लाइफ में कभी रिच नहीं हो। आप नए नए कपड़ों, जूतों और महंगे फोन से अपने फ्रेंड्स को अपनी रिचनेस दिखाकर इंप्रेस तो कर सकते हो, पर रियल में कभी रिच नहीं बन सकते। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, तो आपको बिजनेस या स्टॉक, बॉन्ड जैसे एसेट्स को खरीदना होगा जो आपके लिए पैसे कमाते। ये ग्रेट आइडियाज हमने रिच डैड पुअर डैड से लिए हैं। आप ऐसे ही मोटिवेशनल बुक्स पर और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द बुक।